आज मैं इस दोनों टेस्टर की, ये जो है डिजिटल टेस्टर, ये है नॉर्मल टेस्टर, इस डिजिटल टेस्टर से क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं और नॉर्मल टेस्टर से क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल टेस्टर है, इस नॉर्मल टेस्टर से हम फेज की टेस्टिंग कर सकते हैं और किस वायर में करंट आ रहा है या नहीं, ये टेस्ट कर सकते हैं। और इस टेस्टर में हम लोग, ये जो जो डिजिटल टेस्टर है, टाकुरे कंपनी से आई है, ये जो आप एसी या डीसी 12 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट तक इसमें आप टेस्ट कर सकता है। इसमें इसमें जो भी इंडिकेशन लैंप है, और इसमें भी इंडिकेशन लैंप है, उसका साथ इसमें डिस्प्ले है, और उसमें जो हम टेस्ट कर सकते हैं, हमारा वायर की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, उसका साथ हम लोग वायर की जहाँ पे ब्रेक हुए है वो टेस्ट कर सकते हैं, हमको कितना वोल्ट आ रहा है वो भी टेस्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ टेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको उसमें इस टेस्टर की प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा उसमें क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। पहले तो हम एसी या डीसी टेस्ट करेंगे, पहले हम उसमें एसी टेस्ट करके दिखाता हूँ। हम लेकर आया हूँ ये बोर्ड, यह है बोर्ड, देखो हम इसमें अभी एसी बोर्ड टेस्ट करके दिखाऊंगा। इस टेस्टर को तो ऐसे लगाने, आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगा, आपको इंडिकेशन भी दिखेगा, इसलिए इस टेस्टर को यहाँ से इसके लगा लेता हूँ। और इस तरह से देखो, यहाँ से टच किया, थोड़ा साइड करता हूँ, देखो हम पाइप पिन सेकंड में लगा दिया हूँ। अभी देखो 12 वोल्ट से 220 वोल्ट का यहाँ से जो एसी सप्लाई हम देख रहे हैं, हम उसको न्यूट्रल पे लगाऊंगा तो यहाँ से कुछ भी नहीं बताएगा। देखो अभी हम उसको न्यूट्रल पे लगाए हूँ, उसमें कुछ इंडिकेशन से न्यूट्रल में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। हम तो एसी का टेस्ट कर लिया हूँ, देखो उसमें से 220 वोल्ट आ रहा है। यहाँ से खाली हम डिस्प्ले देखने के लिए, यहाँ से जो देखो, यहाँ से जो लिखा है देखो, यहाँ से जो हम, यहाँ से ये जो लैंप है, इस लैंप को जलाने के लिए हमको नी लैंप इंडक्शन पे आप टच करना पड़ेगा, और उसको टच करेगा तो यहाँ से आप वोल्ट चेक करने के लिए है। ये जो देखो यहाँ से बोल, और इसका ऊपर है जो, यहाँ से हम यहाँ से टेस्टर के लिए अब इसको चेक करके देखा, ऊपर में टच करेगा तो लैंप चलेगा। देखो यहाँ से लैंप ग्लो हो रहा है, ऊपर में टच करेगा तो लैंप ग्लो हो रहा है, यहाँ से लिखा है ना नी लैंप इंडिकेशन, यहाँ से टच करना है, यहाँ से सिंबल भी दिया है। देखो यहाँ से टच करेगा तो लैंप ग्लो होगा, ये जो देखो यहाँ से वोल्टेज यहाँ से बताएगा, यहाँ से वोल्ट, ये छोटा सा जो की जिसे दिख रहा है बटन जिसे, उसको टच करेगा तो आपको वोल्टेज बता रहा है 12 वोल्ट से 220 तक वोल्ट बताया। देखो यहाँ से छोड़ दिया, 12 वोल्ट बता रहा है, अभी टच किया तो 220 का अभी बता रहा है। देखो आप इस तरह से वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। हम इस टेस्टर में कि नॉर्मल टेस्टर में क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम इसमें वोल्ट तो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ से कौन सा न्यूट्रल लेयर कौन सा फ्यूज ये ही टेस्ट कर सकते हैं उसमें। और ये जो टेस्टर है उसका साथ वोल्ट के साथ साथ आप उसका जो उसका लैंप इंडिकेशन लैंप भी आप यहाँ से देख सकते हैं, उसमें दोनों फायदा है। अभी इसके बाद हम ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से 12 वोल्ट होता है कि नहीं, इसमें तो एसी और डीसी टेस्ट दिया है। देखो यहाँ से 12 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट एसी या डीसी टेस्ट कर सकता है।
हम अभी इसमें अभी हम उसको बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी को टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। अभी प्लस पे टेस्ट करके देखता हूँ, यहाँ से भी 12 वोल्ट आ रहा है, और उसके बाद माइनस पे उसमें भी 12 वोल्ट, प्लस पे भी 12 वोल्ट, और उसके साथ माइनस पे भी 12 वोल्ट। ठीक है, अभी हमारा जो एसी आर डीसी का टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम करेंगे, मान लो ये जो देखो हमारा ये ट्रूकर का केबल या वायर, जो भी मान लो केबल या वायर, हम इस वायर को बोर्ड पे लगा लेता हूँ एक साइड को, और उस साइड से हम फेज की फेज और न्यूट्रल की सप्लाई दे देता हूँ। ये जो देखो रेड और ब्लू दिख रहा है, लेकिन ये जो थोड़ा पीला कलर दिख रहा है, मान लो रेड कलर है, हम अभी इसमें टेस्ट करते हैं। जो हम ऊपर से टच करेंगे तो जो इंडिकेशन लैंप चलेगा, और यहाँ से टच करूँगा ये जो की जैसे दिख रहा है, यहाँ से टच करूँगा तो उसको वोल्ट बताएगा। ये जो देखो 12 से 220 वोल्ट, 20 वोल्ट का इसमें आ रहा है डिस्प्ले, और न्यूट्रल से टच करूँगा तो यहाँ से 12 वोल्ट की सिंबल आ रहा है। ये जो देखो ऊपर में टच करूँ तो उसमें कुछ भी नहीं बता रहा है, यहाँ से टच करूँ तो 12 बता रहा है। यहाँ से देखो यहाँ से टच करो तो जो इंडिकेटर जल के 12 और 36 बता रहा है, यहाँ से टच करो तो 12 वोल्ट से 220 वोल्ट, यहाँ से हम मान लो हमारा 220 वोल्ट है ऐसे सप्लाई का। इस वायर को उसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ से उसको कट कर लेता हूँ। देखो एक वायर को कट कर लिया हूँ इस तरह से, देखो उसको कट कर दिया हूँ, इस वायर को कट कर लिया हूँ, और ये यहाँ से देखो यहाँ से कट है, इस वायर का यहाँ से कट है, ये जो वायर है यहाँ से देखो ये जो कट है, ये जो हमारा टोकोर का ये जो वायर है देखो, यहाँ से हम टेस्ट करते हैं। जब हमारा वायर ब्रेक हो जाता है या कहाँ से टूट जाता है, यहाँ से खराब हो जाता है बीच में, तो यहाँ से हम देखो यहाँ से सप्लाई नहीं आ रहा है, इंडिकेशन भी नहीं आ रहा है, देखो यहाँ से हम टच करने से। अभी इस वायर कहाँ से टूटा है या कहाँ से ब्रेक हुआ है, इसको हम अभी चेक करें, किस तरह से चेक करते हैं। देखो देखो यहाँ से हम ये जो वायर है यहाँ से हम कट कर दिया हूँ, इस तरह से रख दिया हूँ। अभी हम इस तरह से इस डिजिटल टेस्टर को पकड़ के इस तरह से आगे बढ़ा के जाता हूँ, यहाँ से देखो किस तरह से इसका निशान है, जहाँ तक करंट है यहाँ तक आएगा, और उसके बाद करंट नहीं आएगा तो उसमें नहीं बताएगा। देखो इस तरह से आ रहा है, यहाँ तक हमारा सप्लाई आ रहा है, लेकिन यहाँ से आगे नहीं आ रहा है, यहाँ तक दिखवा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, उसका आगे कट है, तो इसलिए नहीं आ रहा है। ये जो देखो यहाँ से कट है, इसलिए आगे सप्लाई नहीं आ रहा है, देखो उसका आगे सप्लाई नहीं आ रहा है, आप ये भी पता कर सकते हैं। अरे एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देखो यहाँ से देखो यहाँ से कट हो गया ना, ये देखो यहाँ से कट है, इसलिए नहीं आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है। आप इस तरह से अब इस जो डिजिटल टेस्टर है अब इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। अभी जो देख रहे हैं दो रेड वायर और दो
ब्लैक वायर है जो सिंगल कोर का वायर है, हम इसमें से जो कौन सा न्यूट्रल और कौन सा फ्यूज किस तरह से पता कर सकते हैं। मान लो हमको ये जो टेस्टर है उस टेस्टर में हमको चेक करने के लिए यहाँ से इस तरह से कट करना पड़ेगा। उसको कटिंग करने से थोड़ा सा भी उसको कटिंग करने से आपको उसको जो चेक कर सकता है कौन सा न्यूट्रल और कौन सा फ्यूज है, उसमें उसको कट करने से चेक कर सकता है। वो जो टेस्टर है आपको कट करना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखो उस तरह से हम देखो उस तरह से ऊपर में रखेगा तो आपका सिंबल आ जाएगा। देखो उसमें रेड पे भी ये जो देखो इस तरह से अब रखेगा तो उसका आ जाएगा ये जो देखो। अरे जो हम देखो इस न्यूट्रल वायर को उठा रहा हूँ, इसको ऊपर को उठा रहा हूँ, फिर भी इसमें ये जो न्यूट्रल वायर है ना इसलिए नहीं आ रहा है। इस वायर को भी ये जो वायर है इसमें भी हम टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये जो देखो उसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। ये जो फेज है ये जो देखो उसमें नहीं आ रहा है, उसमें आ रहा है देखो। अब उसको इस टेस्टर में टेस्ट करने के लिए इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा, आपको उसको कुछ थोड़ा सा छेद करना पड़ेगा। उसमें ये जो डिजिटल टेस्टर में उसको ऊपर में रख के आपको उसको पता कर सकते हैं कौन सा फ्यूज है कौन सा न्यूट्रल है। अब इस तरह से भी इसको एक फायदा है, आप इस तरह से डिजिटल टेस्टर में चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो वायर की टूट गया आपकी वोल्ट कितना आ रहा है उसका साथ ही इंडिकेटर साथ साथ आपको साथ एक डिस्प्ले मिलता है। ये जो कुछ चार्जेबल डिजिटल टेस्टर नहीं है उसको कुछ चार्ज करना नहीं पड़ेगा। आपको उसको आसानी से मार्केट में खरीदने जाए तो 100 रुपया से आपको आसानी से मिल जाएगा। हम तो पूरा A to Z आपको टेस्ट करके दिखा दिया। अभी इस टेस्टर की खरीद के अभी इस तरह हमारा इसका वो काम कीजिए।